हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो सुंदर सी आप ड्रेस देख रहे हो, आज ये हम आपको बताएंगे बना के। तो अगर आपके पास भी लाडो और लड्डू गोपाल जी हैं तो आप भी एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हो। तो सबसे पहले राधा रानी जी की ड्रेस बनाएंगे। तो ब्लाउज़ के लिए हमने दो पट्टी अस्तर की ली है और दो पट्टी ली है कपड़े की। लंबाई रखी है एक पट्टी की 7 इंच और चौड़ाई रखी है हमने 2 इंच। ये घेर के लिए दो कलर का कपड़ा लिया है, रेड और येलो। एक अस्तर के कपड़े की लंबाई है 35 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। इतनी ही लंबाई चौड़ाई का हम कपड़ा लेंगे। इतनी ही लंबाई चौड़ाई का हम पीले रंग का कपड़ा और अस्तर लेंगे। जो कान्हा जी का हम घेर बनाएंगे उसके लिए भी दो कलर का कपड़ा इतनी ही लंबाई चौड़ाई का लेंगे हम। तो सबसे पहले हम ब्लाउज बनाएंगे। ब्लाउज़ के लिए एक पट्टी अस्तर की लेंगे और एक पट्टी कपड़े की लेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और 3 साइड सिलाई लगा देंगे। दोनों पट्टियों में सिलाई लगा के इन्हें पलट के हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। किनारे से किनारा मिला के सेंटर तक हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम एक पट्टी लेंगे 3.5 इंच लंबाई की और 1.5 इंच चौड़ाई की। जो हमने ब्लाउज़ का तैयार किया है उसमें नीचे की साइड से हम जोड़ेंगे। पट्टी जोड़ने के बाद इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है। उससे पहले इसमें हम डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने के बाद पट्टी को पूरा अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। नीचे की साइड फोल्ड करने के बाद ऊपर आधा आधा इंच मोड़ के हम सिलाई लगाएंगे। तो हमारा खूबसूरत सा ब्लाउज तो तैयार हो गया है। अब हम घेर बनाएंगे। तो घेर के लिए हमने दो कलर का कपड़ा और अस्तर लिया है दो कलर का। सबसे पहले दोनों कलर के अस्तर हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इसे खोलेंगे सीधी साइड, जो हमारे बीच की सिलाई है उसके ऊपर हम एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। पूरे में सिलाई लगाने के बाद जो हमारा कपड़ा है दो कलर का उसे भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इसे भी हम खोल के इसके जो बीच की सिलाई है सेंटर की उस पे हम एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो हमारा अस्तर भी जुड़ गया और कपड़ा भी। अब हम कपड़े और अस्तर को जोड़ लेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे, 3 साइड इसमें हम सिलाई लगाएंगे। एक साइड हम ओपन रखेंगे सीधा करने के लिए। अब 3 साइड सिलाई लगाने के बाद इसे पलट के हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद एक एक सिलाई हम कच्ची इसमें 3 साइड लगाएंगे, जिससे हमारा कपड़ा सेट हो जाए। इसके बाद जो हमारा ओपन था ऊपर से उस पर भी हमें कच्ची सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो हमारे रेड और येलो के बीच की सिलाई है उस पर हम गोल्डन कलर की लेस लगाएंगे। इससे ये खूबसूरत भी लगेगा और हमारा जोड़ भी नहीं दिखाई देगा। ये प्रिल है जो हमने खुद तैयार की है नेट से, नेट की। इसे हम नीचे की साइड लगाएंगे। पूरे में नेट लगाने के बाद हम प्लेट्स भरेंगे। प्लेट्स का मुंह एक ही दिशा में रखेंगे और एक सार प्लेट्स भरेंगे। तो प्लेट्स भरने के बाद जो हमारा ऊपर की साइड का घेर है उसे हम नाप लेंगे। ये हमारा 7 इंच है और ये ड्रेस हम बना रहे हैं 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। और चौड़ाई रखेंगे हम पट्टी की 2 इंच और लंबाई रखेंगे 7.5 इंच। तो जो हमारे ऊपर का घेर है उसमें हम ये पट्टी जोड़ देंगे। पट्टी को जोड़ने के बाद इसे अंदर की साइड पलटना है। उससे पहले इसके अंदर हम डोरी लगाएंगे। डोरी के लगाने के बाद इसमें पट्टी को पूरा अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो नीचे का घेर हमारा तैयार है, ब्लाउज तैयार है। अब हम दुपट्टा तैयार करेंगे। तो दुपट्टा हम इसमें बनाएंगे रेड कलर का जयपुरी। तो
दुपट्टे की चारों साइड जो किनारी हैं वो आधा आधा इंच मोड़ के हम इस पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद आप चाहे तो इस पे चारों साइड लेस लगा सकते हो, गोटा पट्टी लगा सकते हो, लेकिन मैंने इसमें लगाई है घुंघरू, क्योंकि मुझे घुंघरू बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसमें हमने घुंघरू लगाए हैं पूरे में। घुंघरू लगाने के बाद हमारा खूबसूरत सा दुपट्टा भी तैयार है। तो कान्हा जी का घेर हमने पहले ही तैयार कर लिया था, ऐसे ही हमें कान्हा जी का घेर तैयार करना है जैसे हमने राधा रानी का किया है। तो ये हम कान्हा जी की ऊपर का ब्लाउज बनाएंगे। लंबाई हमने रखी है पट्टी की 8 इंच और चौड़ाई हमने रखी है 2.5 इंच। एक पट्टी अस्तर की लेंगे और एक कपड़े की, 3 साइड सील देंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। दोनों पट्टियों को सिलने के बाद सीधा कर लेंगे। अब सीधी साइड नीचे की तरफ रख के एक पट्टी पे दूसरी पट्टी को रख के सेंटर तक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इसे उल्टी साइड से फोल्ड कर देंगे। तो साइड में 1.5 इंच हमें ऊपर से छोड़ना है, उसके बाद हम इसमें दोनों साइड इस तरह से ही सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब हम घेर का सेंटर और ब्लाउज का सेंटर पर निशान लगाएंगे। सेंटर से सेंटर मिला के हम अपने ब्लाउज और घेर को जोड़ देंगे। तो हमारा खूबसूरत सी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस भी तैयार है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, राधे राधे। थैंक यू।